है दोस्तों, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले आपको जो आपकी फ़ोटो है उसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है शेयर करके। उसके बाद आपको पेंसिल पे क्लिक करके ट्यूनिमिस पे क्लिक करना है। देन आपको ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 30 में रखना है। उसके बाद आपको नीचे जाके सेचुरेशन को इंक्रीज करके प्लस 15 में रखना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाके एम्बियंस को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 11 में रखना है। उसके बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करना है, माइनस 20 में रखना है। उसके बाद आपको नीचे जाके शेडो को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 11 में रख के आपको वार्म्थ को माइनस 100 में रखना है। फुल डिक्रीज करके आपको सिंपली करना है डन। देन आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके व्हीडिज पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्यूनिमेस पे क्लिक करके ब्रास के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्यूनिमेस को 0 में रखना है। उसके बाद आपको पर्सन की फेस के ऊपर इरेज कर लेना है इस टूल्स को। पर्सन की फेस और हाथों के ऊपर इरेज कर लेना है इस टूल्स को भी, इस पोर्शन में इरेज करना है। देन आपको इस पोर्शन में इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको इस पोर्शन में इरेज करने के बाद आपको दूसरे हाथ की इस पोर्शन में आपको इरेज करना है। देन आपको इस पोर्शन में इरेज करने के बाद आपको पैरों के ऊपर इरेज कर लेना है। इस पोर्शन में आपको सिंपली इरेज कर लेना है जो टूल्स अप्लाई किया था। उसके बाद आपको सिंपली कर लेना है डन इरेज करने के बाद। देन आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको पेंसिल आइकन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन डिटेल पे क्लिक करना है। देन आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 21 में रख के आपको शार्पनिंग को भी थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 25 में करके आपको कर देना है डाउन। उसके बाद आपको पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। देन आपको लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक करके ब्लर स्ट्रेंथ को सर्कल को ऐसे नीचे ले आना है। उसके बाद आपको ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा डिक्रीज करना है, प्लस 20 में रखना है। उसके बाद आपको नीचे जाके ट्रांजिशन को थोड़ा डिक्रीज करना है। देन आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 36 में रख के कर देना है डन। देन फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको व्यू डिज के ऊपर क्लिक करके आपको लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ब्रश के ऊपर क्लिक करके इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको लेंस ब्लर को 0 में रख के इस पोर्शन में आपको इरेज करना है, कि आपको फोटो को जूम करके इस पोर्शन में इरेज करना है। देन आपको इस पोर्शन में इरेज करने के बाद आपको पर्सन के ऊपर इरेज कर लेना है। देन आपको सिंपली पर्सन के ऊपर पूरे इरेज कर लेना है। आपको अच्छे से फोटो को जूम करके आपको इरेज कर लेना है ओनली पर्सन के ऊपर। उसके बाद आपको इस पोर्शन में इरेज कर लेना है पर्सन की। उसके बाद आपको पर्सन की फेस के ऊपर इरेज करना है। इस पोर्शन में इरेज कर लेना है आपको अच्छे से। देन आपको सिंपली कर लेना है डन। इस पोर्शन में इरेज करने के बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली विंडेज के ऊपर क्लिक करके आपको 6th वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे जाके सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 27 में रखना है। देन आपको स्टाइल स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 30 के अबोव आपको रखना है, प्लस 40 में रखना है। देन आपको नीचे जाके विग्नेटिक स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 53 में रख के आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू डिज पे क्लिक करना है। देन आपको विंडेज के ऊपर क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टूल्स पे क्लिक करके विंडेज को 0 में रखना है। देन आपको फोटो को जूम करके पर्सन के ऊपर इरेज करना है, पर्सन की फेस पे इरेज करना है। देन आपको हाथों के ऊपर इरेज कर लेना है, दोनों हाथों के ऊपर। उसके बाद आपको लास्ट पैरों के ऊपर इरेज कर लेना है इस टूल्स को। इरेज करने के बाद आपको सिंपली कर लेना है डन। डन करने के बाद नेक्स्ट आपको बैक करके फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। देन आपको पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 60 में रखना है। उसके बाद आपको स्किन स्मूथिंग को थोड़ा इंक्रीज करना है, नीचे जाके 35 में रखना है। देन आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली
सिलेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको हाथों के इस पोर्शन में सर्कल को रख के सेंटर साइज को सुता करके आपको ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, प्लस 19 में रख के आपको सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करना है, -20 में रखना है। उसके बाद आपको सिंपली करना है डन। डन करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, देन आपको टोनल कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके आपको हाइट रेंज को थोड़ा इंक्रीज करना है। को फुल इंक्रीज मत करना है, आपको सिंपली थोड़ा इंक्रीज करना है हाई टोन को। उसके बाद आपको मिड पॉइंट को थोड़ा इंक्रीज करना है, देन आपको करना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके शेडो को थोड़ा डिक्रीज करना है, शेडो को -20 में रखना है। देन आपको सिंपली करना है डन। डन करने के बाद आपको तो बिफोर आफ्टर के देख सकते हो फोटो कैसा था और आप कैसा हो गया, यूनिक और प्रोफेशनल हो गया है देखने में।